खबर शामिल करते हैं विहाड़ी से। साहूका के इलाके पतनजोदिका का बंध टूट गया। बंध टूटने से मुतअद्दिद रिहायशी बस्तियां और सैकड़ों एकड़ रकबा काश्त फसलें जेरे आब आ चुकी। बच्चों और खवातीन समेत मुतअद्दिद अफराद सैलाबी पानी में फंसे हुए हैं। डीसी सैयद आसिफ शाह की हिदायत पर रेस्क्यू की इमदादी टीमें ऑपरेशन में मसरूफ। दरियाए सतलुज हेड इस्लाम में पानी की सतह बदतरीज बुलंद हो रही है और पानी का बड़ा रेला टकराने की वजह से विहाड़ी के इलाके साहूका में पतनजोदिका जमलेरा का बंध टूट गया है, जिससे रिहायशी बस्तियां और सैकड़ों एकड़ रकबा पर काश्त फसलें जेरे आब आ चुकी हैं। सैलाबी पानी में घिरी बस्तियों में बच्चों और खवातीन समेत कई अफराद और मवेशी फंसे हुए हैं, जबकि इन सैलाब ज़दा इलाकों में पानी की वजह से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है और सैलाबी पानी का तेजी से साहूका की तरफ बहाव जारी है। सैलाब से बड़े पैमाने पर नुकसान का खदशा जाहिर किया जा रहा है, जबकि डीसी विहाड़ी सैयद आसिफ हुसैन शाह की हिदायत पर तमाम महकमे रेस्क्यू 1122 और जिला इंतजामिया सैलाब में घिरे अफराद और मवेशियों को मुंतकिल करने में मसरूफ हैं और सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं, जबकि मुतअद्दिद इलाके ऐसे भी हैं जहां पर ताहाल कोई रेस्क्यू टीम नहीं पहुंच सकी और वहां पर सैलाब से घिरे मर्द, खवातीन और बच्चे बेयारों मददगार किसी मसीहा के मुंतजर हैं।